सो हेलो दोस्तों, क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है पेज नॉट एजिबल, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए क्यों मिलती है, तो मैं आपको सब चीज आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जिनके पेज पे इशू है उनको कैसे हटाना है, और जिनके पेज पे कोई इशू भी नहीं है तभी उनके पेज पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे हटाना है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आप इजी तरीके से इस चीज को हटा सकते हैं। तो अभी मैं अपनी मॉल की सीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक पेज यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जिनके पेपर इशू है, रहा है कोई पार्टनर मोनेटाइजेशन इशू या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, उनको कैसे हटाना वो मैं आपको तरीके बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मैनेज पे करूंगा क्लिक। अब मैनेज पे क्लिक करने वाले यहाँ पे मैं पेज रिकमेंडेशन पे करता हूँ क्लिक। पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करने वाले यहाँ पेज स्टेटस पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नॉट इजिबल, तो इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने पर यहाँ पे लिख क्या रहा है इसको हमको समझना पड़ेगा पहले डीप लेवल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पे नॉट इजिबल, आर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड डेट वी कैन नॉट अप्रूव दिस पेज राइट नाउ, कीप शेयरिंग कंटेंट डेट फॉलोज आर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड अप्लाई अगेन लेटर। और फिर इसके नीचे लिख रहा है हाउ दिस अफेक्ट योर पेज, अदर मोनेटाइजेशन टूल्स मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स। तो इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि आपको रेगुलर कंटेंट डालना है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जितनी भी है उसके खिलाफ कोई कंटेंट नहीं डालना, उसके खिलाफ आप डालोगे तो आपके पेज पर जी रहेगा को, जब तक जी रहेगा आप अपने पेज को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। इनको हटाना कैसे, जैसे कि आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन इशू, तो यहाँ पे आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दिख रहा है मेरे में, है ना, तो आपके में अनऑरिजिनल कंटेंट भी हो सकता है या कोई सी पॉलिसी इशू वगैरह हो सकता है ना, तो सबसे पहले आपको वो हटाने पड़ेंगे। उनको कैसे हटाना है तो उन पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, और मैंने वीडियो बनाए भी, उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू कैसे हटाना है, पेज हैज सम इशू है तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं मोनेटाइज पे करता हूँ क्लिक। मोनेटाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इन स्ट्रीम ऐड पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, है ना, तो इस प्रॉब्लम को आपको हटाने पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब बैक करने के बाद आपको कुछ चीज चेक करनी पड़ेगी, वो आपको मैं बताते हैं। बैक कर लेना आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे करना है क्लिक। हेल्प और सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सपोर्ट इनबॉक्स में आना है। सपोर्ट इनबॉक्स में आने के बाद आपको रिपोर्ट अबाउट अदर में आना है ना, अदर्स में आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे नो रिपोर्ट, है ना, ऐसा आपके में लिखा आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही तो आपको सॉल्व करनी है, अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैच के आप मेरे को भेज सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और फिर आपको यहाँ पे योर अलर्ट में आना है। योर अलर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉपीराइटेड वीडियो होती है ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, फिर आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सी ऑप्शन पे करना है क्लिक, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। इस वाली वीडियो मेरे को कॉपीराइटेड आया है ना, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके इस वीडियो यहाँ से डिलीट आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको नो वॉल्यूशन दिखाई दिया, सो ये यहाँ पे सही एकदम। फिर आपको यहाँ से बैक करना है ना, और बैक करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट बता दूं। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन पे दोबारा से क्लिक कर लेना है ना, यहाँ पर आपको मैनेज एडमिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने किसी और को एडमिन नहीं बनाती, मतलब वहां आपकी कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है या मतलब रील्स वगैरह डाल रहा है, अपलोड कर रहा है, उसका एक्सेस आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बंद करना नहीं चाहते तो उसका मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ। यहाँ से आपको बैक कर लेना है, यहाँ से बैक करने जो आपको प्रॉब्लम आती है उसको आपको स्क्रीन शॉट लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है ना, यहाँ पे मैं इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब लेने के बाद है ना, अब मैं आपको एक चीज बता दे, जैसे कि कोई अगर आप किसी और को पेज का एक्सेस दे रहे है ना, तो उसको भी आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है। इसका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ऐसा आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है ना। अगर आप खुद ही काम कर रहे तो इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे नहीं लेना है। अब यहाँ से लेने के बाद यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। उस पर आपको इंक्लूडिंग करने के बाद आपको यहाँ पे, यहाँ मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया, अगर आपके प्रोफाइल में दिक्कत है तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है, तो है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट को यहाँ पे हटा लेना, फिर यहाँ से अपलोड पे करना है क्लिक। आपको जो हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दो लिए थे ना, यहाँ पे आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है ना। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा।
वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दे रहा हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब लेने के बाद आपको इस वाली एप्लीकेशन पे आ जाना है, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीनशॉट, यहाँ से आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू पे करना है क्लिक, यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर, इसको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये जो पेज है ना, इसका आपको यहाँ पे लिंक यहाँ पर आपको दे देना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने पेज का यहाँ पे लिंक दे दिया, यहाँ पे मैं सेंड पे कर देता हूँ क्लिक। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये मेरी फेसबुक टीम के पास चली जाएगी। तो ये आप एक दो हफ्ते में या एक दो महीने में या 24 घंटे अंदर ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ये एक फेसबुक बग चल रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आपको देखने के लिए मिल रही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जिनके पेज पे कोई भी इशू नहीं है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू, अपने खुद का कंटेंट वो डाल रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखाता हूँ, मैं रिकमेंडेशन पे करता हूँ क्लिक, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना। या मैं पेज नॉट स्टेबल पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है मतलब आपको यहाँ पे रेगुलर कंटेंट यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको कोई पॉलिसी इशू नहीं करना, कोई भी ना कोई गलत ना आपको यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट डालना है, ना ही आपको यहाँ पे कोई हेट स्पीच वाला ना कोई गलत कंटेंट यहाँ पे आपको नहीं डालना है ना, और ना ही कोई आपको यहाँ पे कोई पॉलिसी इशू वगैरह करना है ना। बस आपको यहाँ पे रेगुलर कंटेंट डालना है। बस आपको यहाँ पे एक हफ्ते के लिए लाइव आया ना, 5-6 मिनट के लिए, यहाँ से आपको बैक कर लेना है। जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे फेसबुक टीम के पास भेजनी पड़ेगी, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको फिर दोबारा से यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, इंक्लूडिंग कर देना है। यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है, और आपको ये प्रॉब्लम अपने प्रोफाइल पे आ रही तो प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपलोड पे करता हूँ क्लिक, और जो मेरी प्रॉब्लम थी इसको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम को कर दूंगा पेस्ट। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन में शो करवा दे रहा हूँ। जो भी आपको यहाँ से अपने स्क्रीनशॉट में से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, फिर आपको यहाँ पे अपने पेज का लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेंड पे ऊपर कर देना है क्लिक। सो आपके यहाँ पे थोड़े दिनों के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। फिर भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट भेजकर और अपनी प्रॉब्लम आप मेरे को बता सकते, उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको वहीं पर दे दूंगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी प्रॉब्लम इसलिए आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर लें प्रेस। अगर आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटाना है, अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटाना है, यहाँ पे मैंने एंड स्क्रीन वीडियोस लगा दी, यहाँ से आप जाके चेकआउट इन पे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।